हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू ब्लश एंड स्टफ़ आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं ट्रेड फेयर की द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो कि प्रगति मैदान में लगा है एंड 14 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है तो आप ये वीडियो पूरी देखना ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी अगर आप ट्रेड फेयर जाने के लिए सोच रहे हैं आपको टिकट्स लेनी पड़ती है इसके लिए एडल्ट्स के लिए टिकट्स हैं एटी रुपीज़ की एंड फॉर चिल्ड्रेन इज़ फॉर फोर्टी रुपीज़ तो यहाँ पर आपको अलग अलग हॉल नंबर्स मिलते हैं और आपको ऑलमोस्ट हर स्टेट्स के यहाँ पर स्टॉल्स मिलेंगे और बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी ये नॉर्मल मार्केट्स में आपको नहीं मिलती है ये स्पेशल ट्रेड फेयर लगता है एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ नवंबर ओनली तो आप जरूर विजिट करें और आप प्रेफ़र करें कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं क्योंकि प्राइवेट के लिए पार्किंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा फुल हो जाती है और शाम के टाइम काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है और आपको बहुत यूनिक यूनिक चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर और आप वीडियो में भी आप देखेंगे हॉल नंबर्स भी हमने रिकॉर्ड करे हैं इसमें तो इट विल बी हेल्पफुल फ़ॉर यू तो यहाँ पर ये होम डेकोरेशन की चीज़ें ये एव आई वाले वॉल हैंगिंग्स हैं एंड द क्वालिटी इज़ वेरी हैवी और ये वन थाउजेंड फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं तो आपको ऐसे अलग अलग स्टॉल्स मिलेंगे जैसे कि ड्राई फ्रूट्स का है और इनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है तो आप ज़रूर ट्राई करना और अलग अलग जगह से यहाँ पर अपने स्टॉल्स लगाने आते हैं लोग टू गेट यू गाइज नो कि उनका कोई ऐसा प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है तो ऐसे आप, आपको ये कढ़ाई वाले कुर्ते वगैरह मिल जाएंगे और इनका भी प्राइस जैसे थ्री थाउजेंड थर्टी फाइव हंड्रेड ऐसे होता है होम डेकोरेशन की बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी इस वाले स्टॉल में भी आपको ऐसे एंटीक चीज़ें होती हैं वो मिलेंगी ये स्टॉल जो है ये दुबई यूएई का स्टॉल है जो इन्होंने यहाँ पर प्रगति मैदान के इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में लगाया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हैवी गाउन और सूट्स लगे हुए हैं हमने आपको एक थोड़ा सा व्यू जिस दिया है कि क्या क्या आपको चीज़ें मिल जाएंगी ये ट्रेड फेयर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है काफ़ी नंबर ऑफ़ हॉल्स होते हैं जैसे हॉल नंबर वन टू थ्री ये हॉल नंबर फोर है और यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे एक साथ इकट्ठे स्टॉल्स होते हैं और ये है जैसे स्टॉल नंबर सिक्स इसमें आपको कारपेट्स वगैरह मिलेंगे रनर्स मिलेंगे कारपेट्स की आप वेरायटी देख सकते हो आपको इनकी कलेक्शन सबसे अलग लगेगी नॉर्मल मार्केट्स में जो सामान मिलता है वो बिल्कुल जनरल होता है यहाँ पर आपको इनकी स्पेशलिटी देखने को मिलती है और जो इनका प्राइस होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा ही होता है ये है उत्तर प्रदेश का हॉल तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे स्टॉल्स मिलेंगे ऐसे जैसे राजस्थान उत्तर प्रदेश और अलग अलग स्टेट्स के हॉल्स होते हैं और उनमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन मिलती है ये है बेड शीट वाला स्टॉल और यहाँ पर बेड शीट्स लगी हुई थी कम्फर्टर सेट्स भी थे एंड दे स्टार्टिंग फ्रॉम रुपीज ट्वेल्व हंड्रेड ओनली सो दिस इज़ हॉल नंबर इलेवन तो जैसे यहाँ पर आपको ऐसे एंट्री करनी है हॉल्स में डिफरेंट डिफरेंट हॉल्स में और उसके अंदर आपको ऐसे स्टॉल्स मिलेंगे ये वुडलैंड का स्टॉल लगाया हुआ है विथ फिफ्टी परसेंट सेल तो यहाँ पर आपको वुडलैंड की चीज़ों पर सेल मिल जाएगी हर आर्टिकल पर फोटी परसेंट फिफ्टी परसेंट तो जैसे सेवन थाउजेंड एट थाउजेंड ऐसे का कुछ है तो वो आपको ऑफ पे मिलेगा प्राइस रेंज थोड़ी ज़्यादा ही होती है इनकी तो आपको और भी ऐसे ब्रांड्स मिल जाएंगे जैसे स्पार्क्स एंड क्रॉक्स इंडिया और आपको ट्रेड फेयर में ऐसे बड़ी यूनिक यूनिक सी चीज़ें बहुत मिलेंगी जैसे ये चॉपर्स होते हैं या क्लीनिंग करने वाली चीज़ें होती क्लीनिंग वाइपर्स होते हैं ये मॉप्स लगे हुए हैं सम थिंग्स आर वेरी डिफरेंट यहाँ पे जो आपको जनरली नहीं मिलती और हर चीज़ की आपको यहाँ पर वैरायटी मिलेगी बी इट इलेक्ट्रॉनिक्स और टॉयज फुटवेयर क्लोथिंग होम डेकोरेशन एंड इन फैक्ट खाने की काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर तो ये जो आप ये देख रहे हो ये सारी मैट्स हैं बेड शीट्स हैं और हाई टेक टेक्नोलॉजी की चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत मिलेंगी सो so, यहाँ पर इनके टाइमिंग्स होते हैं टेन ए एम टू सेवन थर्टी पी एम सो आप सुबह सुबह भी जा सकते हो नाउ दिस इज़ हॉल नंबर सेवन तो अब यहाँ पर आप एंटर करोगे तो आपको यहीं यहाँ पर भी बहुत सारे स्टॉल्स मिलेंगे ये इनके पास डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन लगी हुई है असेसरीज़ की तो आप देख सकते हो कि काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं दीज आर हेयर असेसरीज एंड टोट बैग्स और क्लिप्स वगैरह स्लिंग बैग्स ये सब लगे हुए हैं और इन्होंने रेट्स मेंशन मैंशन हैं और इतनी ज़्यादा यहाँ पर बार्गेनिंग नहीं करी जाती और कुछ कुछ स्टॉल्स पर बहुत ज़्यादा कर सकते हो आप बार्गेनिंग बट ये जैसे असेसरीज़ के इन्होंने फ्लैट हंड्रेड रुपीज़ में लगाए हुए हैं तो इसमें आप नहीं कर सकते ज़्यादा एंड नॉट टू फोगेट ये खाने की चीज़ें तो यहाँ पर ये यह अचार की बहुत वेराइटी लगी हुई है और ये आपको टेस्ट भी करवाते हैं साथ में तो ये है सरस वाला काउंटर तो ये इनके पास सारी बैम्बू की चीज़ें लगी हुई हैं एंड दे है सम वेरी गुड क्वालिटी एंड अमेजिंग कलेक्शन जैसे स्टूल्स होते हैं और आप कहीं पर भी सेंटर टेबल या डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए डेकोरेशन की चीज़ें बास्केट्स ट्रेज होती हैं यहाँ पर इनके पास बैम्बू की चेयर भी है सो so, uh, और ऐसे लेटर्न भी हैं हैंगिंग्स भी हैं दे हैव बेल हैंसो तो बहुत अच्छी कलेक्शन थी इस स्टॉल पर और जैसे कि आप लोग को पता है कि आजकल आयरन के यूटेंसिल्स आर इन ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी आयरन की है यहाँ पर आपको कढ़ाई और ये अप्पे मेकर सब चीज़ें मिलेंगी स्टार्टिंग फ्रॉम रुपीज़ हंड्रेड ओनली और ये हैं सारे ये पीतल होता है ना उसकी भी चीज़ें रखी हुई हैं इन्होंने ब्रास जिसको बोलते हैं तो वहाँ यहाँ पर आपको इसकी भी वैरायटी मिलेगी आपको बहुत सारी असेसरीज़ मिल जाएंगी और ये मंदिर से रिलेटेड आपको चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी ये डेकोरेशन के पर्पज से भी यूज़ होती हैं तो आइडल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे और आपको क्लोदिंग की बहुत सारी वैरायटी मिलेगी ये सारे दुपट्टे लगे हुए हैं एंड दीज आर ओरिजिनल्स होते हैं ये अपने स्टेट्स के ऐसे कोई कॉपीड नहीं बेचते हैं यहाँ पर ये आपको अपने स्टेट्स uh, की स्पेशलिटी दिखाते हैं ट्रेड फेयर में आके बेसिकली ट्रेड फेयर का पर्पस यही होता है कि वो अपनी अलग अलग जगह की चीज़ें दिखाते हैं और उनकी काफ़ी यूनिक चीज़ें भी होती हैं क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी होती हैं एंड हाँ इनका रेट भी थोड़ा सा कंपेरेटिवली uh, हायर होता है तो ये हमारी ट्रेड फेयर की छोटी सी वीडियो थी ट्रेड फेयर बहुत सारे दिनों के लिए लगता है और काफ़ी सारे स्टॉल्स होते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक भी करें थैंक यू